मंगलवार आसिबा बिहार विधानसभा राय सकाल 8 रु आरंभ हेबा वोट गणना 243 टी विधानसभा आसन रे 3755 प्रार्थी हेबा भाग्य निर्धारण 55 टी वोट गणती केन्द्र रे कड़ा सुरक्षा भितर हेबा काउंटिंग बिहार रे 3 टी पर्याय रे होइथिला मतदान एथरा कोविड आतंक सत्वे 2015 निर्वाचन तुलना रे अधिक प्रतिशत वोट पड़ी 57.5% मतदान होइछि बिहार रे मंगलवार स्पष्ट हेबा कहाकु आसंता 5 वर्ष पाई शासन गादी रे बसाइबाकु चाहुछंती बिहार जनता एनडीए हाथ में पुणी रहिबो शासन डोरी ना महागठबंधन पिंधिबो विजय मुकुट विभिन्न एजेंसी पक्षरु करा जायथिबा एग्जिट पोल अनुजाई महागठबंधन एथर सरकार गठन करिबो एहाकु ले आरजेडी ओ कांग्रेस शिविर उत्साहित थिबा बेले एनडीए रा विजय सुनिश्चित बोली दावी करिछि बीजेपी हम और वीआईपी पार्टी मिलकर बहुमत प्राप्त करेगी और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे नहीं है लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर राजद जल्दबाजी कर रहा है लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी जदयू और एनडीए की सरकार बनेगी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं तो नीतीश कुमार जी के इस बयान के बावजूद तो तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी का जो अपना उद्बोधन रहा जो स्टेटमेंट रहे वो पूरी तरह से केंद्रित उन इश्यूज के ऊपर रहे बेरोजगारी अपनी जगह पे है मजदूरों की संख्या है जो भ्रष्टाचार इस दौरान में हुआ है और तरह तरह की जो शिकायतें थी वो मिली उनके ऊपर एकदम केंद्रित करके पूरा अभियान को रखा गया उसके नतीजे सामने आए हैं और 10 तारीख को जो काउंटिंग होगी तो तेजस्वी यादव बहुत भारी बहुमत के साथ में वो चीफ मिनिस्टर के लिए बनेंगे बिहार सहित 11 राज्य 56 विधानसभा आसन उपनिर्वाचन पाई भी मंगलवार हेबा वोट गणती सेथिमध्यरु रहिछि मध्यप्रदेश 28 आसन शिवराज सिंह चौहान का सरकार रा भाग्य निर्भर करुछि उपनिर्वाचन फलाफल उपर एबे मध्यप्रदेश विधानसभा रे बीजेपी रा 107 सदस्य थिबा बेले संख्या गरिष्ठता पाई अति कमरे 9 जन विधायक दरकार कांग्रेस छाडीथिबा 25 विधायक बीजेपी टिकेट रे निर्वाचन लडुछन्ते एबारे समस्ते ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक तेणु एही उपनिर्वाचन रे बीजेपी रा प्रदर्शन उपरे निर्भर करुछि ज्योतिरादित्य का राजनैतिक भविष्य तेबे एग्जिट पोल अनुजाई मध्यप्रदेश रे बीजेपी 28-18 आसन रे जीती पारे एक पार्टी को उतने ही परसेंटेज वोट है लेकिन सीटें एक दिखा रही है और दूसरे एजेंसी ने 7 सीटें दिखाई हैं ऐसे में हम लोगों का अपना फीडबैक मैकेनिज्म है जो हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता से बूथ से फीडबैक आता है उस पूरे फीडबैक को एनालाइज करके जब हम देखते हैं तो हमें क्लियरली इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सीटें दिखती हैं और हम कम्फर्टेबल मेजोरिटी नहीं बल्कि उससे ज्यादा बढ़त से जीतेंगे और सरकार हमारी मध्यप्रदेश व्यतीत गुजरात 8 और उत्तर प्रदेश 7 आसन में उपनिर्वाचन वोट गणति एसत ओडिशा बालेश्वर सदर और तीर्तोल आसन मंगलवार काउंटिंग ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।